फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे 11:30 और हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। तो उसके लिए मैंने बैंगन को कट करके ऐसे बीच में से देख के, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा है, ऐसे देख के मैंने अंदर लहसुन ऐसे लगा दिया है। देखिए, 3 बैंगन मैंने लिए हुए हैं, उसमें ऐसे लहसुन की कलियां। अभी हमें इसके ऊपर ऑयल लगाना है। यहाँ पे बैंगन को मैंने ऑयल लगा लिया है, अभी हम इसे सेकेंगे। तो ये मेरा जो हाथ सेकने वाला वो जो है, उसमें मैंने बैंगन को रख दिया है, नीचे चूल्हा लगा दिया है, ऊपर बैंगन को रख दिया है। तब तक मैंने आटा भी गूंथ लिया है। तो थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं जब तक हमारे बैंगन सीख रहे हैं तब तक। तो यहाँ पे मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हुई है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और 3 हरी मिर्च ली है। थोड़ा सा नमक डाल के हम इसे कूट लेंगे। और ये जो हमने बैंगन के साथ भूनने रखी थी लहसुन की कलियाँ, उसे भी हम साथ में कूट लेंगे। यहाँ पे हमारे बैंगन भी हो गए। तो ऐसे बैंगन का ऊपर का छिलका सब मैंने निकाल लिया है, ऐसे चाकू से मैंने कट कर लिया है। और इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए, 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, और जो हमने मिर्ची वाला पेस्ट बनाया था वो है। तो हम ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, और जो हमने पेस्ट बनाई थी अदरक लहसुन और मिर्ची का, वो हमने डाल दिया है। और उसे अच्छे से होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को भी सॉफ्ट होने तक पकाना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज हमारा जल्दी पक जाए। और प्याज पक जाने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर। टमाटर को भी हमें अच्छे से पका लेना है। तो टमाटर हमारा यहाँ पे गल गया है, तो इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और ये 1/2 चम्मच जितनी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और जो ये हमने बैंगन का भरता बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो सब्जी बनके रेडी है। तब तक हम इसके लिए हरा धनिया तोड़ के आते हैं, ताज़ा ताज़ा। इसकी तो फ्लेवर ही बहुत अच्छा आ रहा था इसका, धनिए का। यहाँ पे मैंने धो के धनिया को कट करके डाल दिया है। तो ये हमारा बैंगन का भरता बन के रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी बना था, आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। सब्जी हमारी बन गई है, तो चलो फटाफट से बना लेते हैं रोटियां। तो सब्जी मैंने रख दी है नीचे, तो रोटियां बना के सबको खाना दे दूंगी। थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। वो बैंगन सेकने में टाइम बहुत लग गया। चलो तो मिलते हैं रोटियां बनाने के। आप सब भी आ जाइए खाने, बहुत टेस्टी बना है बैंगन का भरता। भी बजे 4:30 और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ लिक्विड, जो बर्तन घसने का आता है वो वाला। तो मैं इसमें पढ़ रही थी कि किस तरह से बनाना है। 5 लीटर पानी में ये सब डाल देना है तो बन जाता है। तो मैं यही बना रही थी, लिक्विड बना रही थी।
तो यहाँ पे मिस्री भी आ गई है, बोल रही है मुझे भी बनाना है। तो मैंने उसे लाठी, इसे हिलाने के लिए लाठी लाने भेजा है, तो वो बोल रही है मुझे भी डालने दो। मैंने बोला ये बोतल वाला है वो डाल दो, तो ये डाल रही है और मैं इसे हिला रही हूँ। यहाँ पे देखिए आद्या भी आ गई है। यहाँ पे नारियल की राह देख रहे हैं, कब फूटेगा कब खाने मिलेगा, गिलास विलास लेके बैठे हैं। मेरे को मिलेगा आद्या, 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 पानी देस मने। रोते गुड़लो गुड़लो किचड़ चाहिए। जय श्री कृष्ण आद्या। जय पूमा। ओ जो 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 गई गई गई। क्यों याद या पीवा दी तो इले एकलो इले जब पाते ही पीला खाई दी अपने कदे पापा ने पीला खाई दी बा।